केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून को लेकर विपक्ष पर लोगों को गुमराह कर हिंसा उकसाने का किया दावा। ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली को किया संबोधित। दिल्ली हिंसा पर बीजेपी ने कांग्रेस पर राजधर्म के नाम पर उत्तेजना फैलाने की कोशिश का लगाया आरोप। देश विरोधी नारे लगाने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर कसा शिकंजा। कन्हैया सहित तीन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की दिल्ली सरकार ने दी इजाजत। 9 फरवरी 2016 में विश्वविद्यालय परिसर में देश विरोधी नारे लगाने का है आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पटरी पर लौट रहा है आम जनजीवन। पिछले 60 घंटों में हिंसा की कोई घटना नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। शाहीन बाग में चल रहे आंदोलन की फंडिंग को लेकर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीमा कोई बाधा नहीं। दिल्ली में वायु शक्ति पर सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। कहा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं देश। कार्यक्रम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, कठोर निर्णय के लिए सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की बड़ी भूमिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वैज्ञानिक अनुसंधान के फायदे जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर जोर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से शोध संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं।